चलते हैं वसीम साहब के साथ, बताएं सर आज की आपकी पिक्स। हाँ तो अनिल जी, दो स्टॉक है लेने की चेष्टा करनी है जी, कहो तो बताओ। गलत, आज ही थोड़ी प्रैक्टिस करिए अनिल जी। माहौल बहुत अच्छा है, मार्केट सब बढ़िया है, बाजार थोड़ा सुस्त है, लेने की कोशिश कीजिए। आप कहो तो मैं शुरू करूं। अब आप ये सोचोगे आशीष जी क्यों बोले, तो आज जैसा आपको पता है कल भसीन साहब का थोड़ा सा गला खराब था जी। तो ऐसा नहीं, हमारे जैन साहब भी दुनिया भर में कहीं भी हो तो शो वक्त निकाल के शो करते हैं, क्योंकि भसीन साहब का गला थोड़ा सा खराब है, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे पिक्स भेजी हमें, और वो पिक्स भेजी तो उनके बिहाफ पे बताने के लिए आशीष तैयार है। आशीष प्लीज डू द ऑनर्स। सर पहला स्टॉक है आईएक्स, यहाँ पर नजर रखनी है, 165 के करीब भसीन जी जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 161 रुपए का, okay. और टारगेट आएगा 170। ध्यान रहे कि अगस्त फ्यूचर के लेवल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और दूसरा स्टॉक है माइंडट्री, यहाँ पर भी देखें तो अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी की राय आ रही है, और यहाँ पर खरीदारी करनी है 3715 से 3725 के बीच में, स्टॉप लॉस लगाना है 3640 रुपए का, और ये स्टॉक जो है 3800 रुपए तक जाएगा। तो IEX और माइंडट्री ये दो स्टॉक है जहां पर भसीन जी जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं अगस्त फ्यूचर्स में। नहीं, माइंडट्री के लेवल थोड़ा चेक करो, 3440 चल रहा है तो 3640 का स्टॉप लॉस कैसे होगा? 3440 है मेरे ख्याल से माइंडट्री का लेवल, है ना? आई थिंक अपडेटेड एक लेवल है सर, 3340 का स्टॉप लॉस और टारगेट 3500 का। 3340 का स्टॉप लॉस 3440 पर लेना है, 100 रुपए नीचे 3340 का स्टॉप लॉस, 3800 का टारगेट। और आईएक्स 165 में लेना है, 161 का स्टॉप लॉस, 170 का आईएक्स, 170 5 रुपए का टारगेट। 5 आशीष अपनी मर्जी से तो नहीं है, भसीन साहब इतने छोटे टारगेट देते नहीं है, मुझे डाउट हो रहा है। नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल वही लेवल से। पक्का? पक्का वही है। ओके ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है, आशीष ने अपने चार्ज के हिसाब से टारगेट एडजस्ट कर लिया। अच्छा भसीन साहब ने तो बोला ना एक से लेवल में ही बता दो, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, लेवल्स भी उनके ही है। एक बार जरा माइंडट्री फिर से पुलअप करते हैं, दो लेवल्स आए, आई थिंक कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। टारगेट इसमें थोड़ा सा हमें चेंज, टारगेट 3800 का बताया है भसीन साहब ने, आई थिंक टारगेट 3500 का है, 3500 का टारगेट है सर, 3340 स्टॉप लॉस और 3500। वैसे जो छोटे टारगेट सर दे रहे हैं वो इस वजह से कि मार्केट थोड़ा ट्रेडिंग रेंज में और बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से नहीं दिख रही, थोड़ा रुकने जैसा है, इसलिए आप धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा नीचे में खरीदते रहे, वो वाली बात है। डन, धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोपहर में फिर से थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन यही है खास बात की, देखिए वो है ना, मतलब सब जो चीजें आप रोज सुनते हैं तो आदत हो जाती है, कई सारे लोग तो ट्वीट करके बोलते भी है, जो वसीन साहब बोलते हैं आप कहे तो मैं शुरू करूं तो, और वसीन साहब को पता हम बोलेंगे हाँ सर शुरू करो, कभी हमने ये थोड़ी बोला मत करो, कभी ऐसा मेरा मन करता आशीष बोले आप कहे तो शुरू, आज राशि बोले अच्छा अब आगे से कॉपी नहीं करूंगा। चलिए बढ़ते आगे, और एक बेहतरीन स्टॉक पर अब हम आपके लिए एक बढ़िया रिसर्च लेकर आते हैं।